अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं सारे? ठीक ठाक हैं? मैं भी ठीक हूँ। और मैं आज आई हूँ बहुत ही अच्छा व्लॉग लेके। कल के व्लॉग पे बहुत ही अच्छे कमेंट रहे मेरे और बहुत ही अच्छे व्यूज़ रहे, तो आज मैं लेके आई हूँ एक और अच्छा सा नया सा व्लॉग लाई हूँ। और ये मैं लाई हूँ फरमाइश पे। मुझे मेरे एक फ्रेंड ने फरमाइश की थी कमेंट बॉक्स में, कहा था कि ये वाला आप व्लॉग बनाएं। मैंने कहा था ना कि मुझे आप बताया करें चैलेंजेस मैं अभी नहीं कर सकती, तो आप मुझे डेली व्लॉग भी बताया करें कि कौन कौन से व्लॉग बनाऊँ, आइडियाज़ दिया करें, क्योंकि आइडियाज़ आप लोग देंगे तो फिर मैं उसको थोड़ा स्क्रिप्ट बना के तो सारा कुछ करूँगी। वैसे मेरे व्लॉग स्क्रिप्टेड नहीं होते, जेन्युइन होते हैं, बिल्कुल रियलिटी होती है। तो अब मैंने आपको बताना था एक और बात को कि मेरा एक और चैनल है द लाइफ स्टोरी के नाम से, उसका मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगी, आपने उसको भी जाना, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है और वीडियो देखनी है। आज मैंने उसमें वीडियो डाली है, बहुत ही अच्छी, बहुत ही मज़े की। तो कल मैंने व्लॉग डाला था तो थोड़ा लेट हो गया था मेरा व्लॉग, सुबह 5 बजे डाला था, मैं सो गई, मुझे याद ही रहा, बहुत नींद आ रही थी, तो 2 बजे दोपहर को आँख खुली तो मुझे याद आया मैंने तो अपना व्लॉग वीडियो अपलोड ही नहीं की। फिर मैंने फ़ौरन वीडियो अपलोड की और बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो अभी जैनब ये खड़ी है और मैंने आपको बताना था कि मुझे एक फ्रेंड ने फरमाइश की थी कि आप जौन से आपके फेवरेट ड्रामाज हैं पाकिस्तानी, आप उसके बारे में बताया कि कौन कौन से ड्रामे आपको अच्छे लगते हैं, कौन कौन से नहीं। तो वो मैं LED में खोल के तो नहीं दिखा सकती ड्रामे, क्योंकि फिर वो म्यूज़िक वगैरह होता है उसमें, थोड़ा मेरी वीडियो में मसला आ जाता है कॉपीराइट का, सॉन्ग वगैरह डालूँ तो मैं आपको बताती हूँ कि हमें आजकल कौन सा ड्रामा अच्छा लग रहा था जो ख़त्म हो गया। और ये आ गई जैनब, रमजान था, इधर टेढ़ी चेयर रखिए ना, उठो थोड़ी और, मैं इधर जीती हूँ। तो मैं आपको बताती हूँ, ये आ गई जैनब, जैनब दिखाओ, साइड दिखाओ, ये इस स्टाइल से और इन पिन से आपको क्या लगा रमजान में वो आजकल ड्रामा चल रहा था, क्या था दन? चुपके चुपके आयजा खान का ड्रामा चल रहा था, उसी तरह जाए उस ड्रामे में ये पिंस उसने लगाई है। तो ये फैशन बहुत चला आजकल इस पिंस का, और ये बाजार में बहुत ट्रेंडिंग पे जा रही है हेयर पिंस। मीनू ने लगाया, हाँ मीनू ने, यानी कि आयजा खान ने ना, हाँ जो उसका ड्रामे में नाम था मीनू। मैंने तो वो ड्रामा पूरा नहीं देखा, जैनब ने वो ड्रामा पूरा देखा, लास्ट किस तो जैनब ने इतनी ऊंची आवाज़ करके देखी थी मेरे कान फटने लग गए थे। तो जैनब को वो ड्रामा इतना अच्छा लगा, उसमें आयजा खान इतनी अच्छी लगी, उसका हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लगा, उसकी पिंस पर, तो जैनब जाकर ये पीने लेके आई है ना, पास जाकर दिखाओ, ये रोज़ पिंस चेंज करती है और लगाती है। इसने अपना व्लॉग बनाया, उसमें भी देखिएगा जैनब व्लॉग में, ठीक है? तो और अच्छा मैं, हाँ ये ड्रामा फेवरेट था। तो मैं आपको इस पिंस की कलेक्शन भी दिखा देती हूँ, लेकिन उससे पहले मैं आपको फिर बता रही हूँ, जैनब ये एक पिन नहीं लाई, और भी पिंस लेके आई है, वही आयजा खान जैसी। तो मैं उसकी कलेक्शन बताती हूँ, वो ड्रामा आजकल ट्रेंडिंग पे था, मेरे पास तुम हो, हमें वो ड्रामा बहुत अच्छा लगा, ठीक है? मेरे पास तुम हो नहीं, चुपके सॉरी चुपके दरअसल इसका वो ड्रामा भी बहुत मशहूर हुआ था ना, तो मेरे मुंह से निकला है मेरे पास तुम हो, पहला ड्रामा था, लास्ट ड्रामा था, अब रिसेंटली ड्रामा उसका चुपके चुपके मेरे पास तुम हो क्यों निकला मेरे मुंह से, क्योंकि जो मेरे पास तुम हो ड्रामा है ना, उसमें मेरे साथ बहुत बड़ी स्टोरी हुई थी, तो वो ड्रामा मुझे भूलता ही नहीं है, उस पर ये स्टोरी हुई थी, मैं भी आपको बताती हूँ, ठीक है? लेकिन उससे पहले मैं आपको बताती हूँ, मेरा द लाइफ स्टोरी के नाम से एक और चैनल है, ठीक है? उसको भी आपने फॉलो करना है, लाइक सब्सक्राइब शेयर करना है, डिस्क्रिप्शन में उस चैनल का मैं लिंक दूंगी आपको, ठीक है? तो उस पर आज वीडियो डालिए बहुत अच्छी, और उसके बाद मैं आपको मेरे पास तुमों की भी स्टोरी बताती हूँ, और चुपके जो ड्रामा है वो हमें बहुत अच्छा लगा ड्रामा, ठीक है? तो उसकी हेयर पिन जैनब लेके आई है, उसकी कलेक्शन मुझे पहले भी बहुत पसंद थी, ये पिन लगाना, पर हाँ। मुझे कोई लगा नहीं देता था, पर अब फैशन ट्रेंडिंग आया पे आया, तो पहले लगाती थी तो ये सबसे छोटी है, तो उसको हम कहते थे बेबी लग, पिन ना लगाओ, थोड़ा बड़ो वाला फैशन करो। एक ये लेके आई है जैनब, लगा के दिखाती ना, हाँ इस तरह से खुलती है, कैसे करना है इसका हेयर स्टाइल, कोई आपको वो नहीं करनी है, कोई कॉम वगैरह नहीं करनी, ऐसे सारी बात पीछे करके, मैं इसलिए नहीं लगा रही, वैसे ही नहीं लगा रही, जरा मेहनत, मैंने कहा आप लगा के दिखाओ, ठीक है? और ये लगा दी, ये सिर्फ एक बात है जो मेरे बालों पे टिकता नहीं है, और भी पिने नहीं टिकती मेरे, पहले मुझे ब्लैक पिंस लगानी पड़ती है, फिर ये लगानी पड़ती है, पहले काली पिने लगा के उसको सारा फुल टाइट करके, फिर ये इसको डेकोरेशन के लिए बस यहाँ लगा चुपकानी पड़ती है, क्योंकि इससे ही इसके बाल नहीं टिकते, बहुत सिल्की हैं, और मैं पिंस नहीं लगाती हूँ, मैंने स्ट्रेट करने और मैंने छोड़ देना, या मैंने ऐसे कैचर लगाने, ये एक ये पिन हो गई, ठीक है? इसका भी ये स्टाइल, और एक ये पिन लाई है जाना, ये सारी ईद पे ही लाई है, क्योंकि वो रमजान में ही ड्रामा किया, उसके व्यूज 10 मिलियंस पे गए हैं, चुपके चुपके
एक ये पिन लाई आई, और आपने बताया ना आपको कौन सी ज्यादा पिन अच्छी लगी है। ठीक है तो ये मैं दिखाती हूँ, ये भी लगा के दिखाओ। ये दो है जोड़ीदार है, जोड़ीदार फ्रंट पे ही लगेंगी ये सारी। हाँ ये हो गई बस ऐसे, मुझे सबसे अच्छी ये लगी सिंपल। ठीक है और एक ये है ये सारी मैंने कोई ईद पे इसको लेके दी है हमने, आपने बताना कैसी लग रही है। ठीक है ये भी लगा के खड़ा है, ये गर्ल्स बस 5 मिनट और। ठीक है ना। हाँ बहुत अच्छा। तो व्यूअर्स ये हो गई हमारी पिंस की कलेक्शन, ये ब्लू और ये सबसे मेरी फेवरेट ये है, आपने बताना है आपकी कौन सी फेवरेट है। ये भी दिखाओ ना उठा के, ये पहले और भी हैं। हाँ आपने बताना आपकी कौन सी फेवरेट है। और ये है ब्लैक पिन जैसे होती ना वैसे है, पर ये शाइन में है, ये थोड़ी ऐसे करके लगानी पड़ेगी, ये सेंटर से मांग निकाल के। तो ये हमें चुपके चुपके ड्रामा पसंद था तो उसकी ये कलेक्शन है सारी। देखना साथ साथ दिखाते हैं आपको लगा के। ये भी बाजार से मिल जाएगी, ये कोई हम इतनी महंगी नहीं लाए, 2000-3000 की बड़ी चीप प्राइस में है, 50-50, 100-100 की बाजार में मिल रही है ये आपको। बस चॉइस होनी चाहिए और लगा के मटकाना आना चाहिए। मेरी मामा कहती थी पाना तो हर एक नु आंदा लेकिन मटकाना किसी किसी को। ये देखो ये इस तरह से काली पिनों की तरह है पर इस पे लगा हुआ ग्लिटर पिंक कलर का, तो वो अच्छा लगता है। हाँ उसको साथ साथ जोड़ के आप लगाएंगे ना तो वो इस तरह से ना एक क्लिप बन जाता है पूरा, इस तरह का ऐसा लग रहा है जैसे ये क्लिप लगाया। ठीक है एक ये हो गई करना है और एक ये हो गई है। तो अब मैंने आपको बतानी थी मेरे पास तुम हो का कि मेरे साथ क्या हुआ था पिछले साल, जो हमारा फेवरेट ड्रामा जा रहा था वो था मेरे पास हो तुम। ठीक है वो भी आयजा खान का था, लगे रहने दो, वो भी आयजा खान का था। तो उसकी ये स्टोरी थी कि उसकी जब पहली दूसरी किश्त जा रही थी ना तो अचानक से हमने वो ड्रामा लगाया तो हमें अच्छी लगी स्टोरी। ठीक है पर हमें लगा बहुत पुराना ड्रामा, हमें नहीं पता नया ड्रामा चल रहा है ये हम टीवी पे, हम पे आया था ना। हाँ, तो उन दिनों हम बड़े बिजी थे टीवी वगैरह नहीं देखे थे, तो अचानक ही उस दिन हमने लगाया तो हमने देखा ड्रामा तो हमें अच्छी लगी एपिसोड दूसरी से आई शायद वो एपिसोड थी। तो उसमें आयजा खान ने पहनी थी ब्लैक साड़ी, मैं ऊपर वाले किचन में रख के आई सालन बनने के लिए। ठीक है नीचे आकर ड्रामा देखने लग गई, तो अब वो ब्लैक साड़ी के लिए दर्जी को देने गई थी, पता नहीं उसने खरीदनी थी मैं भूल गई। तो अब मैं इंतज़ार, उसने शादी पे जाना था फ्रेंड की किसी, तो उसने ब्लैक साड़ी पहनी थी, तो मैं इंतज़ार करी थी ब्लैक साड़ी आए, तो मेरी सिस्टर कहती थी कि ऊपर सालन देखो, मैंने कहा जाती हूँ उसी साड़ी देख लूँ कौन सी साड़ी पहन रही है, ब्लैक साड़ी देख लूँ। बस यही सोचते देखते अब आए वो ड्रामा ख़त्म हो गया, वो उन्होंने नेक्स्ट एपिसोड पर डाल दिया, नेक्स्ट एपिसोड में भी ब्लैक साड़ी नहीं दिखाई। उसके बाद जब मैं ऊपर गई ओए सालन जला हुआ पीछे रोड पर ट्रक गुजरा आवाज़ ही नहीं आ रही, सालन जला हुआ पतीली जो थी ना देच की जो थी वो काली स्याह हुई भी, सालन का कोई नामो निशान नहीं उसमें, सब कुछ सारा जल मर गया। तो फिर मैंने कहा ये काली साड़ी ने मरवा दिया, वो दिन था। उसके बाद मैंने मेरे पास पहन के ना उसको ब्लाउज बिल्कुल अच्छा नहीं था, उसका जो साड़ी थी वो बहुत अच्छी थी, ब्लाउज जो देखने के लिए हम बैठे थे वो नहीं था। हाँ वो दिन था। ठीक है दूसरी एपिसोड का मेरा सालन जड़ने का और ड्रामे की आखिरी किश्त थी, मैंने वो ड्रामा नहीं फिर देखा, फिर पूरी दुनिया ने देखा वो, जिस दिन लास्ट एपिसोड थी रोड ब्लॉक हो गई, सड़कें ब्लॉक हो गई भी, आज लास्ट एपिसोड है मेरे पास तुम होगी, मैंने वो ड्रामा नहीं फिर देखा, ये मेरे साथ ट्रेजेडी थी। तो आज का हमारा ये ब्लॉग था वो सिनेमा में आखिरी, हाँ फैंसी फरमाइश पे ये मैंने बनाया कि आप ड्रामे का ब्लॉग बनाए कि आपका आजकल ट्रेंडिंग पे ड्रामा कौन सा जा रहा है उसका। तो आजकल हम कहीं हाँ बस लास्ट टाइम जो देखा था वो चुपके चुपके, हाँ आप रमजान, हाँ आपको कौन सा ड्रामा पसंद है उसका ब्लॉग बनाए।
तो वो तो मैंने बना दिया, लेकिन उसके मैंने उसके बीच में मैंने ऐड किया ये थोड़ी पिंस की कलेक्शन का, ये भी होना चाहिए था, ये थोड़ा मैं आइडिया खुद लेके आई, ठीक है। और बस, और फिर अल्लाह हाफिज़ बोलते हैं, कल मिलेंगे अच्छे नए व्लॉग के साथ। आपने मुझे और आइडिया देना है, कमेंट्स बॉक्स में बताना है कौन कौन से व्लॉग बनाऊँ। तब तक के लिए बाय।